आइए अब जान लेते हैं कि किस तरीके से भगवान गणपति की पूजा की जाए। तो किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का स्मरण किया जाता है, जिसके कारण उन्हें विघ्नेश्वर कहा गया, विघ्नहर्ता कहा गया है। भगवान गणेश जी जो हैं समस्त देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता, इनकी उपासना करने से सभी विघ्नों का नाश होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह नित्य क्रम से निवृत्त हो जाइए। गणेश चतुर्थी को सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य प्रदान कीजिए, हो सके तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी कीजिए। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने चांदी तांबे पीतल या मिट्टी से बनी भगवान गणेश जी की प्रतिमा को आपको स्थापित करना है। आपके पूजा घर में उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके बैठ जाइए, क्योंकि जो उत्तर दिशा है वो माँ लक्ष्मी की दिशा है, भगवान गणपति की दिशा है। तो जब आप पूजा करें तब आपका जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। एक चौकी के ऊपर एक हरा वस्त्र या लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आप गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। पूजा में सबसे पहले संकल्प किया जाता है, हाथ में जल लेके आप संकल्प कीजिए कि ये गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो मैं मनाने जा रहा हूँ, मेरे घर में रिद्धि सिद्धि का वास रहे, शुभ लाभ का वास रहे, और जो मैं पूजा करने जा रहा हूँ उसको आप स्वीकार करें। तो संकल्प करने के पश्चात में भगवान गणेश जी की षोडश उपचार आपको पूजा करनी है। गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर अर्पण करना है, चंदन गणपति पूजा के दौरान गणेश जी की प्रतिमा पर चंदन मिश्र लगाना है, केसरिया मिश्रण लगाना है, इत्र हल्दी कुमकुम गुलाल फूलों की माला खासकर गेंदे के पुष्पों की माला से बिलपत्र से भगवान गणेश जी को प्रसन्न किया जाता है। धूप दीप नारियल फल तांबूल और नैवेद्य भगवान गणपति को अर्पण करते हैं। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः करते हुए 21 दुर्वा दल आपको गणपति को चढ़ानी है। दुर्वा याना दोब, कोशिश करिए तीन पत्ती की दोब हो, एक सीधी और दो साइड की ब्रांचेज अगर निकली हो वो 21 दुर्वा दल एक एक करके आपको गणपति को चढ़ानी है। 21 लड्डुओं का ही आपको भोग लगाना है। तो वो 21 लड्डू जो होंगे उनमें से 5 लड्डू जो हैं वो भगवान गणपति के समक्ष रखने, 5 पूजा के पश्चात में आपको किसी ब्राह्मण को दे देने हैं, और शेष जो लड्डू बचेंगे उसे प्रसाद के रूप में आपको बांट देना है। पूजा संपूर्ण होने के पश्चात भगवान गणेश जी की अपने परिवार सहित आरती करें और भगवान गणपति से आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्राह्मण जो बुलाए हैं आपने उनको भोजन अवश्य कराइएगा, छोटी कन्या हो तो उनको भी भोजन अवश्य कराइएगा। दक्षिणा प्रदान करने के पश्चात में संध्या के समय आपको स्वयं भोजन ग्रहण करना है। पूजन के समय जो मंत्र आपको दिन भर जाप करना है वो मैंने गणपति जी का जो मुख्य मंत्र है ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः करते हुए इस मंत्र का आपको दिन भर जाप करना। इस तरह पूजन करने से निश्चित तौर पे भगवान जो गणेश जी हैं वो अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मुराद को पूरी करते हैं। जो भक्त श्रद्धा के साथ में चतुर्थी के दिन व्रत रखता है तो चतुर्थी के व्रत से सभी उसके संकट दूर होते हैं, सभी विघ्न दूर होते हैं। तो चतुर्थी का जो संयोग है भगवान गणेश जी की उपासना में अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक माना जाता है। इस दिन विधिवत व्रत करने से भगवान श्री गणेश जो हैं वो तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं, संपूर्ण व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत करने से वर्ष पर्यंत जो चतुर्थी का जो पूरे साल भर व्रत करते हैं वो खाली अगर गणेश चतुर्थी को भी व्रत करें तो पूरे वर्ष की चतुर्थी का फल उन्हें प्राप्त होता है। चतुर्थी के शुभ फलों के द्वारा व्यक्ति के किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं आता है और संसार के समस्त सुख उसे प्राप्त होते हैं। भगवान गणेश जो हैं उस पर सदैव कृपा करते हैं। एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को भी निषेध माना गया है, चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति रात्रि को चंद्रमा को देखते हैं उन्हें झूठा कलंक प्राप्त होता है। चंद्र दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण को भी मणि चोरी का कलंक लगा था।